चलिए, सो बेसिकली आज हम लोग, जैसा आपको पता ही, आज हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसको हम एक एक करके पूरा समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है? चलिए, सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आज जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, और थ्योरी ऑफ कॉस्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला चैप्टर जो था आपका प्रोडक्शन फंक्शन, इसके दो वीडियोस हैं, ये देख लोगे तभी आपको एक चैप्टर क्लियर होगा प्रोडक्शन फंक्शन का, ठीक है? चलो अब देखते हैं इसकी मीनिंग क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वन हैज टू इनकर कॉस्ट, आपको कॉस्ट इनकर करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये मैंने बहुत, मतलब मैंने लेमन डेफिनेशन लिया, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन आपको बुक में मिली जाएगी। मैं थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज अपना सिंपल रखता हूँ, लूसिड रखता हूँ, ताकि हम इसको, चीजों को समझ पाए, राइट? अब इसके टू टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एज यू कैन सी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं स्पष्ट लागते, और इसको बोलते हैं अस्पष्ट लागते, ठीक है? यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे द कॉस्ट विच इज विजिबल टू अस, ऐसे कॉस्ट जो हमें विजिबल हो, इजिली विजिबल हो, जो हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है? ऐसे कॉस्ट जो इजिली विजिबल हो, और ये कॉस्ट इनविजिबल होते हैं, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं वो आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट मतलब आप अपने जेब से खुद निकाल कर देते हो, तो आपको दिखता है कि ये कॉस्ट मैंने इनकर किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हो, कंपनी चलाते हो, और वहां आपको फैक्ट्री का रेंट देना पड़ता है, तो ये 50,000 आपने फैक्ट्री का रेंट दिया, तो ये 50,000 आप अपने जेब से निकाल के और अपने फैक्ट्री का जो ऑनर है उसको दे रहे हो, तो ये आप साफ साफ देख सकते हो कि आपका ये 50,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। इट इज योर विजिबल कॉस्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? और दूसरी तरफ इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे रनिंग द फैक्ट्री इन योर ओन बिल्डिंग, आप अपने खुद की बिल्डिंग में एक फैक्ट्री चला रहे हो, तो आप खुद को तो 50,000 रुपए किराया दोगे नहीं, लेकिन अगर ये आप बिल्डिंग चलाने की जगह इस बिल्डिंग को आपने किसी को किराए पे दिया होता, तब तो आपको 50,000 रुपए किराया मिलता ना, लेकिन वो पैसा ना लेकर आप इसको खुद के लिए यूज कर रहे हो, तो ये भी तो कॉस्ट है ना, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट जो होती है लेकिन दिखती नहीं है, इसलिए इसको कितनी बार हम इनविजिबल कॉस्ट भी कह देते हैं, या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कह देते हैं, कितनी बार हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह देते हैं, बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन में आपके बेसिकली दो तरह के कॉस्ट आते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, मैंने पिछले चैप्टर में समझाया है, पिछली क्लास में प्रोडक्शन चैप्टर में देख लीजिएगा। तो शॉर्ट रन में आपके बेसिकली दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। सो हियर वी कैन राइट टोटल कॉस्ट, अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट का निकलेगा तो वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब पहला मैं समझाऊंगा आपको फिक्स्ड कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट। पहले फिक्स्ड कॉस्ट देखिए, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट ये वाला, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट में बोलेंगे टीएफसी। जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था फैक्ट्री का रेंट 50,000, ये आपका फैक्ट्री का रेंट है, और यहाँ आप एक बार टेबल देखो, टीएफसी का टेबल, यहाँ पे क्या एक तरफ कॉस्ट है जो 50,000 50,000 50,000, यानी फिक्स रहेगा, चाहे आपका आउटपुट जो है, यानी आप कंपनी में उत्पादन, चाहे आप 0 उत्पादन करो, चाहे 1,000 कुर्सियों का, अगर मान लो आप अपनी कंपनी में चेयर्स बनाते हो, तो आप 1,000 चेयर्स बनाओ, या 1 लाख चेयर्स बनाओ, या 2 लाख चेयर बनाओ, कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी। तो टोटल कॉस्ट आपकी फैक्ट्री की फिक्स रहेगी, फैक्ट्री का रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? सो यू कैन सी हियर, आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो इसके डायग्राम में कि ये मान लीजिए हमने 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000, तो हमें हमारा 50 था ना, तो चाहे हम प्रोडक्शन कितना भी करें, हमें ये 50,000 कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। यानी ये इसका शेप कैसा हो जाएगा, ये इसका शेप हो जाएगा एक्स एक्स के पैरेलल, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना? यानी आपका फिक्स 50,000 फिक्स हो गया कॉस्ट, चाहे इस पे आप उत्पादन कितने भी कर लो, 10,000 उत्पादन कर लो, या 20,000 प्रोडक्शन कर लो, या 30,000, वो आपकी मर्जी है, या आप कुछ उत्पादन ना भी करो, अगर आप 0 प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर भी आपको ये 50,000 कॉस्ट देना ही पड़ेगा। That's why TFC curve is parallel to x-axis. इसको हम horizontal भी बोलते हैं। It is horizontal to x-axis. इसको हम मजाकिया अंदाज में बोलते हैं रेल की पटरी। रेल की पटरी आपस में पैरेलल चलती है ना?
तो ये हम कितनी बार मजाक में बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल देते हैं, या आपने सुना भी होगा कुछ टीचरों के मुंह से। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे तरह की कॉस्ट होती है वो होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट जो है वो दो कॉस्ट को मिलकर बनती है, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आपने ऊपर पढ़ा और एक अभी जो पढ़ रहे हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल हमने उसका लिया था क्या, रेंट, फैक्ट्री का रेंट, और इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल आपका तभी खर्चा आएगा ना जब आप उत्पादन करोगे, प्रोडक्शन करोगे। अगर आप अपनी कंपनी में प्रोडक्शन ही ना करो तो जाहिर सी बात है आपको ये कॉस्ट जीरो आएगी। या फिर लेबर, कौन से लेबर, मैं परमानेंट लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, परमानेंट लेबर को तो आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी चाहे कंपनी में उत्पादन हो या ना हो। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की, जो डेली वेज के लेबर होते हैं। या फिर रॉ मटेरियल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। रॉ मटेरियल आपकी तभी लगेगी जब आप कंपनी में प्रोडक्शन करोगे, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपके रॉ मटेरियल लगेंगे ही नहीं, जीरो कॉस्ट आएगी फिर वो। तो आप एक बार टेबल देखो इधर, और फिर यहाँ लेफ्ट साइड में टेबल और राइट साइड में डायग्राम, एक एक करके समझेंगे। तो ये आउटपुट है आपका जीरो, फिर 1000, मान लो मैं 1000 मिलूँ तो 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000। ये आपका प्रोडक्शन है, किसी भी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हो, चाहे जूता हो गया या फिर कुर्सियां हो गई या कुछ भी, कोई भी एक वस्तु आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने जीरो प्रोडक्शन किया तो आपकी कॉस्ट भी जीरो आएगी क्योंकि रॉ मटेरियल जीरो लगेगा। अब आपने मान लो वन प्रोडक्शन किया तो आपका मान लो 6000 या 6 लाख जो भी, ये आपका कॉस्ट आ गया। जब आपने 2000 चेयर्स बनाए तो आपके 10000 टीवीसी लगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आपने 3000 चेयर बनाए तो आपको 15000 रुपए का टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा है। जब आपने 4000 कुर्सियां बनाई तो आपको 24000 रुपए टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। और जब आपने 5000 कुर्सियां बनाई तो आपको 35000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट देना पड़ रहा है। इसीलिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप होता है, देखो ये तो पता है आपको, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लिखते हैं, जैसे आउटपुट हमने लिया ना 1 to 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है आपका 0 से लेकर और मैक्सिमम 35 तक है। तो आप 5 मंथ का गैप दे सकते हो, 5 10 15 20 25 35 40, 5 10 15 20 25 30 and 35। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पहला तो जब आप कोई भी प्रोडक्शन ना करो तो ये आपको रॉ मटेरियल, सपोज रॉ मटेरियल आपको जीरो खर्च करना पड़ेगा। अगर आपने पहली रॉ मटेरियल पहला प्रोडक्शन किया तो आपका 6 है ना टेबल में, तो ये रहा पहला, पहले के सामने 6, यहां कहीं आएगा 6, दूसरे के सामने कितना, दूसरे के सामने 10, 10 यहां कहीं आएगा इसके आसपास, तीसरे के सामने 15, तो 15 यहां कहीं आएगा, देखो 15 ये रहा है ना, चौथे के सामने कितना आएगा, चौथे के सामने आपका है ये 24, यहाँ कहीं आएगा, देखो यहाँ 25 है, 24 यहाँ है। और जब आपने 5000 चेयर्स बनाए तो 35, तो इसको 35 तो ले जाओ एकदम ऊपर, 35। ठीक है, तो यानी कि टीवीसी का शेप पे ध्यान दो। टीवीसी का शेप कैसा होता है, ऐसा शेप होता है, मैं इधर साइन में बना दे रहा हूँ, इट इज लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं इनवर्स एस। हमारा जब हम एस इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना तो इसको उल्टा कर दो ऐसे, तो जो टीवीसी का शेप होता है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, इसका शेप इनवर्स होता है, उल्टा एस। टीवीसी का शेप अगर कितनी बार एग्जाम में आ जाता है, हमें देखो आपको एग्जाम में ना डायग्राम नहीं बनाना है, सॉरी आपको एग्जाम में पूरा टेबल याद नहीं करना, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना करना है, आपको सिर्फ अपने माइंड में याद रखना है कि टीवीसी का शेप कैसा होता है। तो आपको टीवीसी का शेप ध्यान रखना है इनवर्स एस, एस का उल्टा। ऐसा क्यों होता है, ये जो हमने पिछले चैप्टर में 3 फेज पढ़े थे ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, फेज 1 फेज 2 और फेज 3। फेज वन होता है जहां पे आपकी एमपी बढ़ती है और टीपी बहुत तेज गति से बढ़ती है। जब एमपी आपकी डिक्लाइन होती है तो टीपी बढ़ती तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। जब आपकी एमपी नेगेटिव होती है तब टीपी घटने लगती है। तो जो टोटल कॉस्ट होता है ना, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट का उल्टा होता है कॉस्ट। जब आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेंगे तो कॉस्ट कम आएगी। तो पिछले चैप्टर से आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो, और नहीं भी रिलेट करना है तो सीधा आप यहाँ आ जाओ। तो आप देखो यहाँ पे इसका जो शेप है वो इनवर्स एस है ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टीवीसी। इसी को मैंने यहाँ दोबारा बना के समझाया है कि ये शुरू में तो आपकी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी यहाँ पे,
फिर ये कॉस्ट थोड़ा सा तेजी से, और लास्ट में तो बिल्कुल ये ऐसे बनते हैं। तो ये मैंने तीन फेज में बांट दिया, फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। ये फेज वन, ये फेज टू एंड ये फेज थ्री। ये पिछले चैप्टर से आपने लिंक कर सकते हो, जिस बच्चे ने पिछले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया उसको ये समझ में आएगा कि टीवीसी का शेप, भैया ये बता दो या सर ये बता दो कि टीवीसी का शेप ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ये इनवर्स ऐसे, यानी कि पहले ऐसे आ रहा है फिर ये हो रहा है फिर ऐसे क्यों हो रहा है, यानी पहला फेज ये पहले तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, दूसरे फेज में थोड़ी स्पीड तेज हो गई, देख रहे हो, और तीसरे फेज में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये आपको पिछला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जब पिछला चैप्टर में आप तीनों फेजेस को देखोगे ना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि जब आपका प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट आपकी कम आएगी, जब आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ेगी तो फिर कॉस्ट आपके धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में जाएगी या फिर कम होने लगेगी तो आपके कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। तो पिछले चैप्टर से आप लिंक कर सकते हो, और ना ही लिंक करो तो सीधा सीधा आप यहाँ पे समझ सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया। और तीसरा है आपका टीसी, टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज द समेशन, समेशन मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। जब हम टीवीसी और टीएफसी को ऐड करते हैं तब आपको टीसी मिलता है। सो यू कैन सी हियर टीसी इज एडिशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, इन दोनों को ऐड करते ही हमें टीसी मिल जाता है। तो मैंने यहां लिखा भी है टीसी इज द समेशन ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी। अब हम इसके रिलेशनशिप को समझेंगे इन वन डायग्राम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का इस टॉपिक का, जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम क्या देखने जा रहे हैं, ये हम देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप, इन तीनों का क्या रिलेशन है, किसके से रिलेशन, टीसी का, टीवीसी का और टीएफसी का, सिर्फ एक वन डायग्राम में देख के और इसको हम बड़े अच्छे से समझेंगे। तो पहले एक बार आप टेबल समझ लो, नहीं तो फिर ना ये मुझे लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा, पहले एक बार टेबल समझो, इसी टेबल को मैंने डायग्राम में शो किया है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, तीनों यहाँ पे दिखाएंगे, पहला आउटपुट, दूसरा टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहती है, मान लो यहाँ पे 12,000 है तो 12,000 हर जगह फिक्स रहेगा, 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000, चाहे आप प्रोडक्शन 0 करो या 1,000 करो या 2,000 चेयर्स बनाओ या 3,000 चेयर्स बनाओ या 4,000 चेयर्स बनाओ, ठीक है। और टीवीसी, टीवीसी क्या होता है, जब आपने प्रोडक्शन 0 किया तो जाहिर सी बात है आपका रॉ मटेरियल 0 खर्चा आएगा, जब आपने 1,000 कुर्सियां बनाई तो 6,000 का खर्चा आया, जब आपने 2,000 कुर्सियां बनाई तो आपको 10,000 का खर्चा आया, टीवीसी 10,000 आया, जब आपने 3,000 चेयर्स बनाए तो आपको 15,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट बियर करना पड़ा, जब आपने 4,000 चेयर्स बनाए तो आपको 24,000 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट उठाना पड़ा, जब आपने 5,000 चेयर्स बनाए तो आपको 35,000 चेयर्स मैन्युफैक्चर करने पड़े। अच्छा जी, अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट हमें पता है इन दोनों का एडिशन होता है, यानी इन दोनों को जोड़ दो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, यानी 12 प्लस 0 12 प्लस 6 18 12 प्लस 10 22 इसी तरीके से 27 36 एंड 47। अब हम तीनों को एक डायग्राम पे बनाकर फिर इसके रिलेशनशिप को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये इसका डायग्राम, यहां आप डायग्राम देखो, यहां पे तीनों ही है, सबसे नीचे सबसे पहले हम टीएफसी बनाते हैं, टीएफसी तो भाई पैरेलल है यानी फिक्स रहेगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाओ सीधा सीधा, ये रहा टीएफसी, आपका टीएफसी टेबल में 12,000 था, आप एक बार चेक करना 12 टेबल, जब भी क्वेश्चन करो तो इसको आप सारे डेटा को पहले कॉपी पे नोट करो ताकि आपके सामने डेटा होना चाहिए। ये टीएफसी फिक्स हो गया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो टीवीसी शुरू होगा वो जीरो से, जीरो से क्यों, क्योंकि जब आप कुछ भी उत्पादन नहीं करोगे तो आपका टीवीसी भी कुछ नहीं लगेगा, जीरो होगा, जैसे रॉ मटेरियल है, जब आप प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो फिर रॉ मटेरियल पर थोड़ी ना खर्चा आएगा, तो आपका रॉ मटेरियल जीरो हो जाएगा, फिर इसका शेप ऐसे बढ़ेगा, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ पे, फिर सेकेंड फेज में ये थोड़ा सा तेज होगा और थर्ड फेज में और तेज हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स एस से। टीवीसी का शेप कैसा होता है, इनवर्स एस, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। अब ये देखो ध्यान से, टीसी कहां से शुरू हुआ, जहां से टीवीसी, जहां से टीएफसी है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जितना फिक्स्ड कॉस्ट है वहां से आपका वेरिएबल टोटल कॉस्ट शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ यहां से, ये मैंने यहां पर दिखाया था, यहां पे मैंने दोबारा समझाता हूं, टीसी किस किस का एडिशन है, टीएफसी का,
और टीवीसी का। और आपको पता है आप चाहे प्रोडक्शन करो या मत करो, आपको ये 12,000 रुपए कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। चाहे आपका अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन ना किया हो तो ये प्रोडक्शन जीरो रहा होगा, तो फिर भी आपको 12,000 रुपए किराया तो देना ही पड़ा होगा। तो ये किसके बराबर हो गया? ये टोटल कॉस्ट के बराबर हो गया। इसीलिए टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों सेम होते हैं। कब? जब आपका प्रोडक्शन जीरो होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब प्रोडक्शन जीरो है, डायग्राम में देखो, जब प्रोडक्शन जीरो है तभी भी टोटल कॉस्ट आपके 12,000 है। यानी टोटल कॉस्ट कर्व कहाँ से शुरू होगा? ये शुरू होगा ओरिजिन से, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन के ऊपर से शुरू होगा, वाई एक्सिस से शुरू होगा, है ना। और इसका शेप बिल्कुल टीसी की तरह होगा। देखो पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे। यानी ये तीन फेज में बांटो इसको, पहला फेज, ये दूसरा फेज, और ये तीसरा फेज। तो पहले फेज में आपका जो टीसी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, दूसरे फेज में ये थोड़ा और तेज गति से, और तीसरे फेज में और तेज गति से। यानी टीसी का भी शेप कैसा होगा? इनवर्स एस, जैसा शेप टीवीसी का है, इनवर्स एस शेप होगा। अब इसके रिलेशन को आप जो आपने डायग्राम में देखा ना, इसी को मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया। अभी आप एक्सप्लेनेशन समझ लोगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट देखिए, टीएफसी फिक्स है, इसीलिए ये टीएफसी कर्व क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, आपको पता ही है। टीएफसी कर्व क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। जैसे 12,000 रुपए किराया था तो हर जगह 12,000 रुपए रहेगा, तो टीएफसी फिक्स रहेगा, आपको पता ही है। एंड इट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट आप चाहे कितना भी करो, चाहे जीरो करो, चाहे 1,000, चाहे 2,000, चाहे 3,000, ये आपको किराया उतना ही देना पड़ेगा, 12,000। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड है आपका टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। टीवीसी आपका जीरो से शुरू होगा। क्यों? मैंने उसका रीजन बताया। टीवीसी जीरो से इसलिए शुरू होगा क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्शन नहीं करोगे तो टीवीसी भी जीरो रहेगी। जब आप कोई प्रोडक्शन नहीं करोगे तो टीवीसी भी जीरो ही रहेगी, रहेगा, ठीक है। इसलिए टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, टीवीसी हमारा जीरो से स्टार्ट होगा। आपको ध्यान में दिला दूं, टीवीसी आपका यहां से इनवर्स एस होता है और यहां से शुरू होता है। यानी जब आप, जैसे रॉ मटेरियल, जब आपने कोई भी उत्पादन नहीं किया तो आपका रॉ मटेरियल भी जीरो लगेगा, कोई खर्चा नहीं आएगा रॉ मटेरियल पे, है ना। तो टीवीसी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जीरो से शुरू होगा। एंड इफ देर इज नो प्रोडक्शन, और अगर कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, देन टीवीसी विल बी जीरो, तो टीवीसी भी जीरो होगा, ठीक है। ये समझ में आ चुका है आप लोगों को। पॉइंट नंबर थ्री, टीसी एंड टीवीसी इज इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। टीसी और टीवीसी जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड कर्व है। दोनों ही आपको मैंने बता दिया, टीसी भी और टीवीसी भी दोनों ही इनवर्सली एस शेप्ड कर्व है, क्योंकि तीनों ही के ही तीन फेज आते हैं, पहला फेज और दूसरा फेज और तीसरा फेज। और ये तीनों फेज क्यों आते हैं, आपको पिछले चैप्टर से पता चलेगा। जब आपने लॉ ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर एक बार देख लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। उसमें तीन फेज होते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के या रिटर्न्स टू अ फैक्टर के तीन फेज होते हैं, फेज वन, फेज टू और फेज थ्री। फेज वन को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, फेज टू को बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और फेज थ्री को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जो बच्चा पिछला चैप्टर देख चुका है उसको मेरी सारी बात समझ में आ रही होगी। किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार वीडियो को रिकॉल कर लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर थ्री पे। सो टीसी और टीवीसी का शेप इनवर्स एस होगा, मैंने समझा ही दिया है, बिकॉज ऑफ थ्री स्टेजेस, वो तीन स्टेज जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के तीन फेज के कारण ऐसा होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर फोर, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। जब आउटपुट जीरो होगा तो टीसी कहां से स्टार्ट होगा, ये मैं समझा चुका हूं। टीएफसी तो ये हो गया आपका, और टीवीसी तो जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन टीवीसी, यह टीवीसी, लेकिन टीसी कहां से स्टार्ट होगा? टीसी यहां से स्टार्ट होगा। कहां से? जहां से टीएफसी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, टीसी कैसे निकलता है? टीसी निकलता है टीएफसी प्लस टीवीसी। अब मान लो आपने जीरो उत्पादन किया, फिर भी आपको 12,000 रुपए किराया देना ही पड़ेगा, चाहे आपने, और जब आप प्रोडक्शन जीरो करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो आएगा। तो यानी जब हमारा उत्पादन जीरो होता है तब ये दोनों बराबर होते हैं। क्या? टोटल कॉस्ट 12,000 और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसीलिए टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होगा? जहां पे टीएफसी जितना होगा उतना ही टीसी होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही चुका, बस मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। सो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, और मैंने आंसर पे लिखा बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो है।
जब वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी और ये 12,000 और ये जीरो, तो ये भी फिर 12,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी एक दो पॉइंट और है। अगला पॉइंट नंबर फिफ्थ, पीसी एंड टीएफसी स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा, बता चुका हूं मैं। पॉइंट नंबर सिक्स, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज सेम, ये तो जाहिर सी बात है भाई, दोनों का डिफरेंस डिस्टेंस सेम होगा। देखो मैं ऊपर आता हूँ डायग्राम, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ये बहुत कॉमन सी बात है। इनके बीच में जो डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, ये सेम होगा। सेम क्यों होगा? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा, तो यानी कि जो टीसी और टीबीसी का जो गैप है ना इन दोनों के डायग्राम का, वो सेम कितना होगा? हर जगह 12,000 रुपए होगा, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो 12,000 का है ना। वो गैप किसकी वजह से है? वो गैप है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। और जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम होगी तो जाहिर सी बात है इसके बीच का गैप भी सेम होगा। या तो ऐसे समझ लो, और नहीं तो ऐसे समझ लो कि ये जो होता है टोटल, किस किस का टोटल होता है? ये टोटल होता है टीसी होता है, टीबीसी और टीएफसी का टोटल होता है। तो इसके बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? इन दोनों के बीच का गैप टीएफसी होगा, और टीएफसी हर जगह सेम होता है, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इक्वल होगा, तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा, जाहिर सी बात है। ये हमने देख लिया है ना, तो द डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी ये सेम होगा, आप समझ ही चुके हो। और लास्ट पॉइंट, देयरफॉर टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर, ताकि तो फिर ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। टीसी भी ऐसे ही बनता है और टीवीसी भी ऐसे ही बनता है, दोनों को हम इनवर्स एस बोलते हैं। ये टीवीसी है जो जीरो से शुरू होता है, ये टीएफसी से शुरू होता है, क्या टीसी, तो इनके बीच का गैप भी सेम होगा और ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, चलो हम आते हैं एवरेज कॉस्ट पे। ठीक है, बस मुझे एक मिनट का ब्रेक देना, मैं थोड़ा पानी पी लूं, बस ज्यादा नहीं, आप कहीं जाना नहीं, बस मैं एक मिनट लगेगा मुझे। चलो जी, एवरेज कॉस्ट की बात कर लेते हैं फटाफट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है आपको पता ही है, एवरेज कॉस्ट जो है वो आपका, इट इज बेसिकली हाउ टू डिराइव एवरेज कॉस्ट, आप टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तब आप एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो। वो कैसे कैसे करते हैं हम नीचे देख लेंगे। एवरेज कॉस्ट में आपको तीन तरह के कॉस्ट पढ़ने पड़ेंगे, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपके सामने ये रहा इक्वेशन। एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट समेशन है एवीसी और एएफसी का। ये कैसे निकला भाई? एवरेज कॉस्ट कैसे आया? टोटल कॉस्ट को हमने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो एवरेज कॉस्ट आ गया, वेरी सिंपल। एवीसी कैसे आया? जब आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आया? जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब हम तीनों को थोड़ा डिटेल में करेंगे। पहला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता है? हाउ टू कैलकुलेट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो एक बार जल्दी से टेबल और डायग्राम बनाते हैं। ये रहा लेफ्ट साइड में आउटपुट, आउटपुट फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तब जाके आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 12,000 है, चाहे आपका प्रोडक्शन जीरो हो या 1,000 चेयर्स हो या 2,000 चेयर्स या 3,000 चेयर्स या 4 चेयर या कुछ भी एग्जांपल ले लेना, तो ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होता है 12,000, यानी आपको कंपनी का रेंट तो सेम ही देना है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता रहेगा, जाहिर सी बात है। यानी आप जितना ज्यादा उत्पादन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, कि आपके एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाएगी। ये तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर ये 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ गया, 12 को 2 से डिवाइड किया तो ये 6 आ गया। लेकिन जितना ज्यादा आप उत्पादन करो उतना ही ये कम होता चला जाएगा, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब कभी भी जीरो नहीं होगी, ये हर जगह 12 रहेगा, चाहे कितना भी उत्पादन कर लो, तो ये भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, लेकिन ये कम होता चला जाएगा। इसलिए आप इसमें डायग्राम में सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए आपने क्या देखा डायग्राम में,
कि जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये कम होती चली जाएगी, जीरो कभी नहीं होगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये ऐसे आते 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 एकदम जी ऐसे हो, लेकिन ये कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगी, क्योंकि एक्स अक्ष को टच करने का मतलब क्या हो गया कि ये कॉस्ट जीरो हो जाना, और ये जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, जीरो तो ये कभी हो ही नहीं सकता ना, इसीलिए जीरो कभी नहीं होगी। और ये वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वाई एक्स को टच करेगा तो फिर ये जैसे मैंने बताया ये कभी जीरो नहीं हो सकता। और इस तरह के जो डायग्राम है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और कितनी बार हम लोग लेमन लैंग्वेज में उल्टी बंसी बोल देते हैं, बंसी बंसी आपने देखा जिससे हम मछली पकड़ते थे बचपन में, आपको नहीं पता होगा, वो हम लोगों का दौर था, वो 90s के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। एनीवेज, तो जो एएफसी कर्व है उसको हम मैथमेटिकली बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बार बार आता है क्वेश्चन कि एएफसी कर्व कैसा होता है, एएफसी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। चलो अब ये तीन पॉइंट है, इसको जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला, एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट अप्रोचेस टू नियर एंड नियर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पास आते चला जाता है, देख रहे हो, ये पास आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा, बट नेवर टचेज एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्स को भी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि एएफसी कैसे आता है, एएफसी हम निकालते हैं टीएफसी से, और टीएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, आपको पता ही है, आपको फैक्ट्री का रेंट तो देना ही पड़ेगा चाहे उत्पादन करो या ना करो, तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी। पॉइंट नंबर सेकंड देखिएगा, इट कैन नीदर एक्स एक्सिस, सॉरी इट कैन टच, यहाँ पे होना चाहिए टच, इट कैन नीदर टचेज एक्स एक्सिस नोर टचेज वाई एक्सिस, ना ये x अक्ष को टच करेगा ना ही y एक्सिस को टच करेगा। चलो अब अगले सेकंड टाइप का कॉस्ट है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया होगा आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसका टेबल बनाते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं। टेबल मैंने वही सबसे पहला वाला टेबल लिया जो हमने पीवीसी में लिया था ना, उसी को हमने सेम टेबल यहाँ रख दिया। आउटपुट भी हमने सेम लिया, जीरो फिर 1000 चेयर्स फिर 2000 फिर 3000 फिर 4 फिर 5, और पहले भी हमने टीवीसी क्या लिया था, जीरो फिर 6, क्योंकि आपको पता है टीवीसी जब उत्पादन जीरो होता है तो ये भी जीरो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए तो हम इसको जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, है ना, फिर 6 फिर 10 फिर 15 फिर 24 फिर 35। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो जीरो को जीरो से डिवाइड करो जीरो, 6 को 1 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आ गया 6, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5, तो ये 6 5 5 6 7। अब इसका नेचर देखो, पहले ये घट रहा है 6 से 5 हुआ, फिर ये थोड़ा देर के लिए होल्ड किया और फिर ये बढ़ने लगा, तो इसलिए इसका शेप यू के आकार का होता है। मैंने पूरा पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक रेंडमली डायग्राम बना दिया, पॉइंट्स भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो पॉइंट्स भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ये यू शेप होता है। क्यों? क्योंकि पहले आप देखो यहाँ पे पहले घट रहा है ये, फिर ये थोड़ा सा इक्वल हुआ है कहाँ पे, जहाँ पे 5 और 5 है, फिर ये बढ़ने लग रहा है, तो यहाँ भी रीजन क्या है, इसको भी आप तीन भागों में बांट सकते हो, फेस पहला जब प्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये तीनों फेस समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि एबीसी जो है वो यू शेप का क्यों होता है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे कुछ नोट्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एबीसी इनिशियली इन फॉल्स, शुरू में एबीसी डिक्लाइन होगा, फिर क्या होगा, वंस द आउटपुट रीचेज द मैक्सिमम, जब आउटपुट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा उसके बाद ये एबीसी बढ़ने लगेगा, यानी शुरू में एबीसी गिरेगा और फिर ये बढ़ने लगेगा, और बीच में थोड़ी देर के लिए पैरेलल भी हो सकता है या होल्ड कर सकता है, इसलिए इसका शेप कैसा होता है एबीसी का, ये यू शेप्ड होता है, पेपर में आ जाता है कि एबीसी का शेप कैसा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब लास्ट में एसी, एसी आपको पता ही, हमने सबसे पहले एसी की बात की थी, लेकिन सबसे लास्ट में मैंने यहाँ बताया है कि एसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, भाई दोनों को ऐड कर दो, एबीसी को और एएफसी को ऐड कर दो, ये दूसरा तरीका या पहला तरीका क्या, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो भी आप एसी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये दोनों तरीके आपने देख लिए, ठीक है। हाँ मेरी क्लास चल रही है, बस थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। अब देखना है यहाँ पे टेबल, अब आपके पास यहाँ पे टेबल है एसी का टेबल, एक तरफ आपने आउटपुट लिया 0 1 2 3 4 5 6, और एएफसी आपने वही सेम मैंने मतलब वो लिए हैं क्या,
जो पिछले हमने वहां लिया था 12, 6, 4, 3, 2, 2.4 जब हमने AFC समझा था, तो और ABC भी हमने सेम लिया 6, 5, 5, 6, 7। तो आपने ये देखा कि AFC तो घटती चली जाती है, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह रहे थे, अगर आपको डायग्राम में याद दिलाना चाहूँ, यहाँ बना देता हूँ लेफ्ट साइड में ऐसे, लेकिन ये कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, ध्यान आया, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह रहे थे। तो ये घटती चलेगी 12, फिर 6, फिर 4, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही आपका फायदा होगा कि आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जाएगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, शुरू में तो कम होगी, 6 से 5 हुई, फिर 5 हुई, लेकिन फिर बढ़ने लगेगी। यानी इसका एबीसी का शेप कैसा आता है, एबीसी का शेप यू शेप आता है एबीसी का। अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है एसी को। एसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दो दो तरीका मैंने बताया, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, एएफसी और एबीसी को। तो 12 को 6 से ऐड किया 18 आ गया, 6 को 5 से ऐड किया 11 आ गया, इस तरीके से 9। अब इसको ऑब्जर्व करो, पहले ये घट रहा है, 18 से 11 हुआ, फिर ये थोड़ी देर के लिए होल्ड हो रहा है, और फिर ये बढ़ने लग रहा है, ये 9.4। फिर अगर हम थोड़ा प्रोडक्शन और करते ना, जैसे ये 6 फिर 7 फिर 8 और प्रोडक्शन करते, तो ये 9.4 से फिर क्या हो जाता, 11 होता, फिर 13 या 14, फिर 18। यानी कहने का मतलब पहले ये घट रहा है, फिर ये थोड़ी देर के लिए होल्ड हुआ, और फिर ये बढ़ने लग रहा है 9.4, फिर 11, फिर 18। यानी इसका भी शेप यू आकार का होगा, इसका भी शेप कैसा होगा, एसी कर्व इज आल्सो यू शेप, जो मैंने सिंपली यहाँ पे आपको बहुत अंदर तक नहीं जाके मैंने सिंपली एक ड्रॉ कर दिया है, बाकी आप चाहो तो इसमें पॉइंट्स पे बिठा सकते हो, जो यहाँ पॉइंट्स आपके सामने गिवन है। तो शुरू में ये तीन, इसका भी रीजन वही है, तीन फेज जो है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, यू शेप क्यों होता है, इसका आंसर अगर आप मेरे से पूछना चाहो तो हमें समझना है कि यू शेप क्यों है। आप देखो पहले 18 था, फिर ये घटा होगा तो ये 11 हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए 9 और 9 होल्ड हुआ, तो ये पोर्शन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये कर्व होल्ड कर रहा है, और फिर ये बढ़ने लग रहा है, तो ये 9.4, फिर 11, फिर 14, फिर 18, फिर 25, ऐसे कुछ आएगा, तो ये बढ़ने लगेगा। तो यानी एसी का कर्व भी कैसा होता है, एसी भी यू शेप्ड होता है। तो ध्यान से, एएफसी कर्व कैसा होता है, मैंने बताया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एबीसी भी यू शेप्ड और एसी भी यू शेप्ड। ठीक है, यहां तक हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बीच में रिलेशन समझना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रहा हूं कि इस बात को, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है, ये थोड़ा सा काम रह गया, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट का काम, इसको मैं नेक्स्ट क्लास, बहुत लेट हो गया आज। हाँ जी मैम, इसको मैं नेक्स्ट क्लास, इसके रिलेशनशिप को मैं नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ, ठीक है, इसके रिलेशन को मैं नेक्स्ट क्लास में, बस 10 मिनट का काम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की क्लास ऑलरेडी हमारी लगभग 1.25 घंटे की हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, सी यू ऑल।